नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पंडोखर सरकार गुरुचरण शर्मा ने भारत सहित विदेशों में रह रहे अपने भक्त को गुरु पूर्णिमा पर दिया संदेश एवं आशीर्वाद। पल पल की अपडेट देते हुए दतिया जिला संवाददाता आलोक शुक्ला। श्री राम जय श्री पंडोखर सरकार, सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि गुरु परंपरा का एक ऐसा दिन है गुरु पूर्णिमा, जिस दिन देवता भी अपने से बड़े स्थान पर जाकर नमन करते हैं। ऋषि महर्षियों से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु शिष्य का एक मजबूत रिश्ता होता है, जैसे पिता और पुत्र का होता है। साथ ही गुरु का मतलब होता है गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में उसे गुरु कहते हैं। वेद व्यास जी से लेकर के आदि अनादि काल से लेकर के ये परंपरा, गुरु परंपरा बनी हुई है। इसमें गुरु का पूजन और लोक और परलोक का मार्गदर्शन देने वाले से गुरु सदगुरु के चरणों में बैठने का और उनका आशीर्वाद दुलार प्राप्त होता है गुरु पूर्णिमा के। जो शिष्य गुरु पूर्णिमा को जाकर अपने गुरु की पूजन करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता, उसके जीवन में हमेशा प्रकाश रहता है और गुरु अपना खजाना खोल देता है, आशीर्वाद देकर के उसके जीवन की कामना करता है, उसके कल्याण की कामना करता है। ऐसे गुरु परंपरा को भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी बड़े स्तर पर इस गुरु परंपरा को मनाया जाता है। फिर गुरु गुरु किसी भी विषय का हो, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे किसी अन्य विषय का गुरु हो, लेकिन गुरु परंपरा एक ऐसा दिन है, गुरु का एक ऐसा पर्व है जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वर्ष में एक बार जुलाई यानी अषाढ़ के महीने में एक गुरु परंपरा का ये पर्व, जिस दिन पूरे दुनिया के शिष्य गुरु आश्रमों में पधारते हैं, उस दौरान शिष्यों में भाईचारा बढ़ता है, गले मिलते हैं और परस्पर एक दूसरे को नमन करते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, गुरु परिवार मिलता है। जैसे कि हम सब लोग दीपावली पर या विशिष्ट त्योहारों पर परिवार होकर के खुशी आनंद लाभ उठाते हैं, इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा पर भी लाभ उठाते हैं। आप सभी देशवासियों को पंडोखर धाम के पीठ की ओर से गुरु पूर्णिमा पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद, आशीर्वाद, जय पंडोखर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।